दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है किसी कारणवश, मान लीजिए कि आपका मोबाइल में बैटरी नहीं है तो आपका मोबाइल बंद हो जाता है और आपका कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका मोबाइल बंद भी हो जाता है तो आपको उस समय अपना मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप कैसे उस मैसेज को आप देखना मतलब पसंद करोगे, मतलब कैसे देखोगे, ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं दोस्तों, जो कि इस चैनल पे न्यू जो ट्रिक होता है यूट्यूब से रिलेटेड या कोई भी ट्रिक हो न्यू उस चैनल पे डाला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ होने पर भी पढ़िए अपने मैसेज, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी मैसेज आता है या किसी को मैसेज भेजना होता है और हमारे फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है और वह बंद हो जाता है। ऐसे स्थिति में फ़ोन चार्जिंग के इंतज़ार के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ़ोन स्विच ऑफ होने पर आप अपने SMS पढ़ पाए और मैसेज भी पाएंगे, इसके लिए आपकी गूगल प्ले से आप इस ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आगे स्टेप जो है क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल व लैपटॉप में डालने पर आप अपने मोबाइल और टैबलेट पर आने वाली सभी मैसेज को आसानी अपने कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मैसेज करना भी हो तो आप भी इंटरनेट ब्राउज़र से मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपका कोई रिचार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी ऐप है, ठीक है। इस ऐप को आप अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, अगर आप मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो कि जो जो उसमें क्या होता है कि परमिशन मांगता है, वो परमिशन आपको अलाउ करना है, ठीक है। चलिए तो उसको लॉगिन कैसे करते हैं मैं उसको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सेटअप करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप में, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा मेथड जो है 30 सेकेंड में आपके मोबाइल के सारे मैसेज ठीक है साइन हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है, अब आपके यहाँ क्लिक कर इस ऐप पर जब क्लिक कीजिएगा तो वह लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए आप अपने जीमेल अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो स्टेप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पांचवा जो स्टेप है कि बस कुछ ही समय में आप अपने मोबाइल के सभी मैसेज अपने जीमेल अकाउंट पर पा सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। जो कि आप इस ऐप का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक के साथ।